डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। लद्दाख की गलवा घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में सेना के सीओ रैंक के एक अधिकारी समेत 20 जवान शहीद हो गए। देर रात सेना से 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की। सीमा पर हुए खूनी संघर्ष में चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें मृतक और गंभीर रूप से घायल चीनी सैनिक शामिल हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सेना ने सतर्कता तथा चौकसी बढ़ा दी है। चीन सीमा पर 45 साल बाद इस तरह की हुई ये पहली घटना है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में तेलुंगला में संघर्ष हुआ था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। सोमवार आधी रात को गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हुई, जो 3 घंटे तक चली थी। मंगलवार दोपहर 12:25 पर करीब 10 घंटे बाद समाचार एजेंसी के जरिए देश को मालूम पड़ता है कि कर्नल समेत 3 सैनिक शहीद हो गए थे और करीब 1 बजे सेना इसकी पुष्टि करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।